अपनी मिनी रोवर इसके सामने बहुत छोटी लगेगी। मतलब 50 लाख कार बिक चुकी है ये अब तक 2023 तक, अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। मतलब अलग ही फील है, मतलब फॉर्च्यूनर से कम नहीं है। एक गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, जो कि मैं इतने दिन से वेट कर रहा था जिस चीज़ को देखने के लिए, शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा वो क्या है। अभी रुको आपको बताता हूँ। ये रही अपनी हैरियर जो मैं डिलीवरी के टाइम पे नहीं जा पाया था, एंड सीरियसली बहुत ही बड़ी लग रही है। वैसे तो देख चुका हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत बड़ी लग रही है। अपनी मिनी रोवर इसके सामने बहुत छोटी लगेगी। पीछे से लोग कसम से बोलू, रियली बोलू ना, तो देख के रेंज रोवर की याद आ जाती है, क्योंकि पीछे का लुक जो है ना वो एग्जैक्टली सेम ही है जैसे वेलार का है ना। वेलार का कैसे पीछे से उसको थोड़ा सा बल्कि किया है और ज़्यादा बड़ा किया है, सेम वैसा लुक है। और देख के मतलब सीरियसली यार क्या बोलू, यहाँ पे एक बैजिंग लगी है सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स 50 लाख कार्स। मतलब 50 लाख कार बिक चुकी है ये अब तक 2023 तक, तो उसकी बैजिंग है यहाँ पे। सो ये रही इसकी कीज़ और अंदर का कैबिन आपको बता दो। ये है ZX प्लस वेरिएंट एंड सीरियसली बहुत ही बड़ी लग रही है नहीं अपनी रोवर तो इसके सामने कसम से सीरियसली बच्ची लग रही है। जब मैंने आजू बाजू में जब खड़ी थी, अभी फ़िलहाल हम निकलते हैं यहाँ से तलाशरी के लिए, क्योंकि ये गाड़ी आई और हम तलाशरी नहीं जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इसको अभी हम फिलहाल लेके चलते हैं तलाशरी। पहले फ़ोन पैर कर लेता हूँ एंड देखते हैं इसके स्पीकर्स। बहुत ही फास्ट हो गया यार, यूजुअली इतने जल्दी होता नहीं है। बहुत स्मूथ है यार इसका डिस्प्ले, मतलब लिटरली ऐसे लग नहीं रहा है, नहीं तो थोड़ा सा लैग होता तो कुछ भी लैग ही फील नहीं है इसमें। एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं, इसके स्पीकर्स चेक कर दे कैसे है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी एकदम मस्त है, मतलब बट ऑब्वियसली होना ही है क्योंकि JBL के साउंड स्पीकर्स लगे हुए हैं। एंड फिलहाल अभी निकल रहे हैं यहाँ से भाई को लेने के लिए और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे सीधा तलाशरी के लिए। और सीरियसली अभी मतलब गाड़ी तो कल ही आ गई थी लेकिन रात को आए थे, तो फिर एंड सुबह सुबह भाई निकल रहा था पुणे के लिए, लेकिन पुणे जाते जाते गोड़बंदर के यहाँ पे ट्रैफिक, तो भाई रिटर्न ही आ गया वहाँ से क्योंकि इतनी ट्रैफिक लगी हुई थी ना वहाँ पे, तो उसने सोचा जाने से अच्छा है कि रिटर्न ही आ जाओ। तो अपने हाथ में आज गाड़ी लगी है, मतलब कल ही लगनी चाहिए थी लेकिन ठीक है कोई नहीं, आज अपने हाथ में कार लगी है। जस्ट अभी पहुंचे हैं तलाशरी डैम पे एंड अच्छा खासा पानी भरा हुआ है, कुछ 5-5.5 हो रहे और हल्की हल्की बारिश से ज़्यादा नहीं है, एंड पानी अच्छा खासा भरा हुआ है जो कि वहाँ से वो भरा हुआ है तो वो उसका फ्लो भी हो रहा है वहाँ से, ज्यादा नहीं लेकिन हो रहा है। अलग ही फील है, मतलब फॉर्च्यूनर से कम नहीं है। वहां से ऊपर चढ़ते टाइम मुझे कसम से कुछ फील नहीं हुआ, लिटरली ऐसा लगा नॉर्मल। मैंने तो फर्स्ट गियर पे डाल के क्लच छोड़ के बस थोड़ा सा हल्का सा एक्सीलेटर दिया होगा एंड इतनी इजीली ऊपर चढ़ गई। एंड मतलब इसमें 2-3 मोड्स है, एक सिटी मोड है और एक वेट मोड है और एक रफ मोड है, एंड वो मोड एक्चुअल में यूज़ है वो मुझे आज पता चला, नहीं तो यूजुअली कैसा वो मोड्स नॉर्मली दिए होते और वो यूज़ होते हैं नहीं होते उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आज यूज़ किया ना तो मुझे फ़र्क पता चला। एंड सीरियसली मज़ा आ गया चला के, थोड़ी सी हैवी है क्योंकि बट ऑब्वियस मैं
रोवर से, रोवर मतलब अपनी i20 क्योंकि मैं उसको मिनी रोवर बोला था, तो रोवर से ये चलाने के टाइम मुझे बट ऑब्वियस थोड़ी हार्ड लगेगी क्योंकि ये बड़ी है, बट ओवरऑल अभी जब इतना मैंने ट्रैवल कर लिया तो बहुत ही मस्त लग रहा है मुझे, मतलब अभी यूज टू हो गया उस चीज़ से। जिस तरह का क्लाइमेट है उस तरह की हरकतें यहाँ पे होनी है, मतलब ये एक एन्जॉयमेंट ही है ऐसे क्लाइमेट में, ड्रिंक एंड चिकन ये सब खाना तो बनता ही है, सो लोग यहाँ पे आते हैं एन्जॉयमेंट के लिए देखो। और हम तो यहाँ पे मेरे को लगता है मंथ में 2 राउंड तो अपना यहाँ पे फिक्स हो ही जाता है, बस अभी एक 10-15 मिनट में अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और फिर सीधा घर, एंड कल एक जाने का प्लानिंग है ढाबोसा, तो इसी को लेके जाएंगे और अपनी रोवर भी लेके जाएंगे क्योंकि फैमिली भी रहेगी तो फिर 2 गाड़ी लेनी पड़ेगी। एंड कल एक्चुअली वाटरफॉल के लिए ही मैं रुका हुआ था क्योंकि ढाबोसा हम जाने का प्लानिंग मेरा बहुत पहले से था, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि हैवी रेनफॉल हो और अच्छा खासा वाटर फ्लो हो, तो मैंने 1-2 वीडियोज़ देखे एक जगह पे तो अच्छा खासा भरा हुआ है एज एक्सपेक्टेड, तो कल ढाबोसा के लिए भी जाएंगे। चलो कल बारिश हो गई, चिकन हो गया, मिर्ची हो गई, मिर्ची हो गई। लास्ट में मिर्ची खाना मजा आता है, एंड वो भी ऐसे वेदर में मच्छी पकड़ रहा है, लेकिन अच्छा खासा पानी भरा हुआ है, छोड़ा है तो ये एकदम मस्त लग रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गाड़ी है, मुझे जजमेंट भी नहीं बैठ रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि निकल जाएगी लेकिन डर लगता है। राइट नहीं देखो, ये पहले मैं ऐसे चलाता था, हाँ जब फार्मिंग करता था ना तो ये मैं चलाता था ऐसे, और इसको चलाने का अलग ही फन है, टायरिंग रहेगा ना अभी इसमें रिंग लगाई हुई है, और पहले जब मैं चलाता था ना तो टायर प्लस रिंग, और मतलब ऐसे बैठ के भी चला सकते हैं लेकिन वो अलग वाली आती थी, और मैं जो चलाता था ना वो ऐसे खड़े रह के चलाने का, और वो ऐसे टर्न करने का, और पूरे पानी में मतलब कहीं भी इसको लेके चले जाओ वो निकल जाएगी, तो वो चलाने का मजा ही अलग है। ये राइट में कॉलेज आ रहा है गवर्नमेंट का, अच्छा खासा बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, काफी बड़ा है। मैं स्टार्ट में जब आया था तब बन रहा था, तब मुझे लगा कंपनी वगैरह कुछ बनने वाली है, लेकिन बाद में पता चला ये कॉलेज आ रहा है, एंड शायद से मेडिकल कॉलेज है। ओह नाइस। रुकाते हैं सीट बेल्ट के लिए क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले की बात है, तभी मैं थार लेके जा रहा था, खानवेल जा रहा था, तो मैंने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना था, एंड ये सीट बेल्ट भी ब्लैक था, नहीं तो दिखा नहीं उसको, एंड उसने वो टैग देखा एडवोकेट का, तो उसने दूर से ही पहले रुकाना चालू कर दिया, तो एडवोकेट का टैग देखते तो रुकते थे, मतलब ऐसे पूछने के लिए हाय भाई, मतलब एक तो सीट बेल्ट नहीं पहना था और टैग लगा था, उसको लगा शायद कि ये नहीं पहना होगा, फिर उस पास में रुका तभी उसने देखा कि हाँ इसने तो पहना हुआ है, तो फिर हालचाल पूछना चालू हो गया, कहाँ के हो क्या नहीं, बोलता मैं भी, मतलब मैंने बताया यहीं बोईसर का, तो बोलता मैं भी वहीं पे था पहले, फिर मेरा यहाँ पे शिफ्ट हुआ। हेलो, मोस्टली यहाँ पे जो चेक पोस्ट पे रुकाते हैं वो सीट बेल्ट के लिए रुकाते हैं। साढ़े 8 हो रहे हैं और जस्ट एक 10-15 मिनट पहले हम आए थे और मतलब घर पे पहुंचे थे तलासरी से, और अभी निकल रहे हैं एक शॉप की तरफ, मतलब एक गिफ्ट रैप कराना है मुझे, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, कोई शॉप ढूंढता हूँ ना, फिर उसके बाद जाना है एक बर्थडे पार्टी में। अभी तो मुझे ऐसा लगता है एकदम यूज्ड हो गया ये कार चला के, मतलब अभी पहले कैसा थोड़ा हार्ड लग रहा था और थोड़ा जजमेंट भी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी इतना इजी हो गया ना, मतलब बहुत ही जल्दी मैंने हाथ बिठा लिया अपने इस पे।
यहीं से कुछ ले लेते। अपने को यहाँ से तो कुछ मिला नहीं, कहीं और ढूंढते बेल्ट लेते हैं, मतलब पीटर इंग्लैंड से बेल्ट ले लेते हैं, यहीं पीछे है ये रहा पीटर इंग्लैंड, यहीं से ले लेते बेल्ट। बेल्ट ले लिया और अभी सीधा चलते हैं वहीं घर पे। मैं जब हैरियर की टेस्ट ड्राइव लेने गया था ना तो ऑटोमेटिक थी वो शायद, हाँ ऑटोमेटिक, रुक जाती है तो तेरे को भी फुल लाइट एंजॉय। अपने पास भी बड़ी कार है अभी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ जब मैं टेस्ट ड्राइव के लिए गया था ना हैरियर की, तभी ऑटोमेटिक थी वो शायद, तो वो टाइम पे इतना पता नहीं चल पाया क्योंकि वो जो गियर शिफ्टिंग वाला प्रॉब्लम था ना, मतलब सेकंड गियर पे जब कार रहती है ना तो वो एक लैग देता था। तो लिटरली इसमें मुझे ना वो थोड़ा सा भी हल्का सा भी फील नहीं हुआ सेकंड गियर पे जो लैग था, मतलब क्लच छोड़ते टाइम आपको थोड़ा एक्सेलेटर भी देना पड़ेगा, लेकिन इसमें बिल्कुल कुछ नहीं। देखो अभी भी सेकंड गियर पे और मैंने ब्रेक और क्लच सिर्फ पैर रखे हुए उस पे, और सिर्फ क्लच में छोड़ रहा हूँ एंड गाड़ी अपने आप जा रही है। तो वो एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, मतलब ये अभी लेटेस्ट है तो इसमें वो एक लैग था वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, विच इज़ गुड, मतलब वो लैग अभी फील नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं। बाय बाय। सो जस्ट यहाँ से अभी वेलनेस से हमने आइसक्रीम ली और डिनर वगैरह हो गया और कार अभी जा रही है घर पे, एंड अभी हम भी निकल रहे हैं अपने घर पे। तो अभी फ़िलहाल अपनी रोवर के साथ चले जाएंगे और कल फिर सुबह निकलेंगे ढाबोसा के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते और आ गए हम अपनी रोवर में। बाकी अभी हैरियर चलाने के बाद इस पे बैठा और ये चला रहा हूँ तो इतना मुझे खास अभी डिफरेंस नहीं लग रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अभी हाँ हाइट का ऊपर नीचे तो बट ऑब्वियस होना ही है, लेकिन ऐसे स्पेसिफिक बैठ के ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे। अब पता नहीं वो क्यों। थार खड़ी है, सोनेट खड़ी है और अपनी मिनी रोवर खड़ी है, लेकिन एक कार मिसिंग है यहाँ पे, इनोवा। वो क्यों आपको कल के व्लॉग में बताता हूँ। चलो गाइस ये साथ करते इस व्लॉग को यहीं पे खत्म। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।